फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष डागोर क्लिनिक से। सो आई एम श्योर कि आप लोग इस समय अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। दिस इज अ टाइम ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली कोविड इज ऑलरेडी देयर इन द लास्ट 24 मंथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये स्पेशली इन केसेस के लिए है जो कि बालों के लिए चिंतित हैं। पिछले एक सालों में ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन लोगों के बाल बहुत गिरे हैं और मेरे पास काफी केसेस आए हैं पूरे इंडिया भर से, जिसमें ये देखा गया है कि बाल लगातार गिरे हैं, बाल पतले हुए हैं और इनमें से बहुत सारे केसेस जो ट्रीटमेंट के अंतर्गत आए हैं वो बहुत अच्छे रिकवर भी किए हैं, कुछ रिकवर कर रहे हैं। जब भी पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं या शुरुआत करते हैं तो वो हर समय क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बाल उग सकते हैं क्या, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बालों का गिरना नहीं रुक सकता है, लेकिन हाँ, बालों का उगना जो रुक गया है वो वापस ठीक किया जा सकता है। इसको हम रिप्लेसमेंट पैटर्न कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल पतले और छोटे होकर सर पे गायब हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड हेयर ग्रोथ साइकिल, या जिसको हम मेडिकली कहते हैं मिनिएचराइजेशन, तो फ्रेंड्स मिनिएचराइजेशन को अगर बहुत अच्छे ढंग से थेरापेटिक्स लेवल पे रेजिन थेरेपी के अंतर्गत ट्रीट किया जाए, जो डॉक्टर ससंगीस में हम करते हैं, तो इसके रिजल्ट भी प्रैक्टिकली हमने पेशेंट के साथ शेयर किए हैं, जो कि 10 में से 9.8% केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं और एविडेंस बेस्ड दिखे हैं कि बालों की जो पार्टिंग्स हैं वो भर गई हैं, बाल की क्वालिटी मोटी हो गई, पेशेंट हैज फेल्ट मोर मोटिवेटेड विद द ट्रीटमेंट एंड द कवरेज प्रैक्टिकली हैज इंक्रीज इन द फर्स्ट 3 to 6 months। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस पिछले 2 साल में ग्रोथ को लेकर काफी अच्छे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपके इस बात का जो हल है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यूज पे बनता है। एक तो आप बिल्कुल निश्चित रहे, अगर आपके सर पे बाल हैं, आप स्वस्थ हैं, आप मेडिकली कोई बेसिक बीमारी से सफर नहीं करते हैं, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग ट्रीटमेंट के साथ अच्छी है, तो आप अवश्य संभावी, आप 100% एश्योर रहिए कि आपके बाल इंप्रूव होकर ही जाएंगे यहां से। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं बालों के लिए डॉक्टर ससंगीस में आ रहे हैं, तो आप नाउम्मीद ना हो, आप मान के चलिए कि आप ठीक होंगे। किस तरीके से और किस किस चीजों के साथ ठीक हो सकते हैं वो समय के साथ हम आपको एविडेंस बेस्ड साक्ष्य आधारित बताकर चलते हैं, जिससे कि आप अपने उपचार को बेहतर तरीके से समझते भी रहें और आगे कंटिन्यू करें। रिजल्ट्स के सक्सेस आपके बेहतर तरीके से पूरे विश्वास और ट्रस्ट के साथ कंप्लाई या ट्रीटमेंट को फॉलो करने से ही मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स बालों का गिरना एक नॉर्मल समस्या है। बालों का क्या गिरना आपको गंजा पैदा कर रहा है? क्या बालों का करना मेडिकली इस बात को क्वालिफाई करता है कि आपका एक्सेस गिर रहा है? इसको हम अपने टेस्ट से चेक करते हैं। इसके लिए अलग अलग टेस्ट डॉक्यूमेंटेड होते हैं, जिसको हम पुल एंड कॉम टेस्ट कहते हैं, और हमें पता चल जाता है कि आपके बाल एक्सेस गिर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके एक्सेस बाल गिरते हुए कम किए जा सकते हैं। दूसरा, बालों की ग्रोथ 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक तो रिप्लेसमेंट साइकिल पे और दूसरा हेयर ग्रोथ साइकिल पे। तो हेयर ग्रोथ और रिप्लेसमेंट साइकिल में अगर कुछ चेंजेस हैं तो इसको रेजिन थेरापेटिक्स और अच्छी अप्लाइड होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के साथ इसको सक्सेसफुली परमानेंटली ठीक कर रहे हैं हम। आप इसके साथ हमारे डॉक्टर ससंगीस में आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा जो मुख्य रीजन होता है बालों के गिरने का आज की डेट में, वो हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट। पिछले कुछ महीनों में काफी इन्फेक्शन रहे, स्पेशली कोविड के भी बहुत से पेशेंट्स हुए जिनको ड्रग्स चली हैं, और उसके बाद एक्सेस फॉल होना बहुत ही नॉर्मल है। ड्रग्स के बाद एक्सेस फॉल होना नॉर्मल है, प्रेगनेंसी या बच्चा होने के बाद एक्सेस फॉल होना नॉर्मल है। कुछ पेशेंट्स में न्यूट्रिशन एक मेजर फैक्टर है, तो न्यूट्रिशन, यस फ्रेंड, न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर फैक्टर है, और जब भी पेशेंट्स के जो न्यूट्रिशन हैं वो अफेक्टेड होते हैं तो उनके बाल गिरते हुए देखे गए। कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, एनेमिक स्टेटस, ये एक मुख्य रीजंस हैं। तो हम पेशेंट को जब भी ट्रीट करते हैं तो ये सिर्फ दवाई के बल पे नहीं होता, ये 360 डिग्री एक्सपर्टीज पे होता है। हम उनको डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं जो कि थेरापेटिक्स ड्रग्स बेस्ड होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड होता है। दूसरा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जिसको हम कहते हैं डाइटेटिक सिबिलिमम। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उनके न्यूट्रिशनल और मेडिकल पैरामीटर्स कैसे हैं, उनमें हमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए। चौथा, अगर उनकी एसोसिएटेड मेडिकल हिस्ट्री चल रही है तो क्या उनपे जो ड्रग्स चल रही है वो सही है, क्या वो कंट्रोल्ड है, इसको भी मेडिकली हमको देखना होता है। तो इस तरीके से एक कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के रूप में हम आपको बेहतर तो करते ही हैं, साथ में जड़ से बेहतर करते हैं। फ्रेंड्स, एक और कॉमन रीजन है आज की डेट में, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कॉज। कभी कभी पेशेंट को पता नहीं रहता, वो बॉर्डर लाइन हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट रहता है, उसके डॉक्टर ने भी नहीं बताया उसको कि इसको दवाई चलनी चाहिए, और जब वो मेरे पास आता है और मुझे मेडिकली देखता है कि वो थके महसूस कर रहे हैं, उनके पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, और वो लगभग
चार से साढ़े चार से लेकर छह के बीच में उनका टीएसएच लेवल है, फ्री टीएसएच लेवल, तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली इसको रिचेक करना चाहिए। और रिचेक करने के बाद हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि उसमें भी हम थेरापेटिक सिमिलिमम देकर उस स्टेटस को भी ट्रीटमेंट के संज्ञान में लें, उसको मेडिकली होम्योपैथिकली ठीक करें। ऐसे केसेस में भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स एक्सेलेंट देखे गए हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में, बाल गिरने के केसेस में, आपके बालों को ठीक किया जा सकता है और उनको कंप्लीटली परमानेंटली ठीक किया जा सकता है और साक्ष्य के साथ ठीक किया जा सकता है। आप बिल्कुल इस ट्रीटमेंट को सीरियस लें और कभी भी नहीं सोचे कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, घरेलू नुस्खों का यूज करना चाहिए। यू मस्ट रीच टू अ डॉक्टर फॉर अ ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, एक और इसमें खास बात है, जितने बालों के ट्रीटमेंट होते हैं इनमें पेशेंट इस बात को कभी क्लियर समझ नहीं पाता है कि वो बालों के कारण या बालों की जो डायग्नोसिस वो है क्या। कभी कभी आपके हेयर लॉस होते हैं एलोपेशिया नाम की बीमारी के तहत, जो कि मेल और फीमेल पैटर्न के नाम से भी जानी जाती है हेयर लॉस। दूसरी जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस या जिनको पहले से ऑटोइम्यून डिजीज है उनमें ये एलोपेशिया एरिएटा जैसे हेयर लॉस देखे गए हैं, जो ब्रो पे भी होते हैं, बॉडी के बाल भी गिर सकते हैं, सर पे भी चकत्ते के रूप में बाल लॉस हो रहे हैं। मेडिकल साइंस में इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेराइड्स या ट्राइकॉट इंजेक्शन या अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन बाल उग तो जाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद 99% केसेस में रिवर्ट बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बाल किसी भी तरीके से गिर रहे हैं इसको आप एक मेडिकल कंडीशन समझिए, वेट एंड वॉच नहीं करिए, घरेलू नुस्खे यूज कर चुके हो तो बहुत हो चुका है, इसको आप एक प्रोफेशनल के हाथ में लेकर आइए, हमारी टीम से मिलिए, मुझसे मिलिए। और मैं श्योर हूं कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट तरीके से लिया और आपने मेडिकली हमारी चीजों को कंप्लाई किया तो पहले 3 से 6 महीने में आपको बहुत ही कन्विंसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से और मेरी टीम पूरी 100% प्रयास करती है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और पिछले 2 सालों में मैंने प्रैक्टिकली होते हुए भी देखा है। लेकिन आपकी यस, यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मेडिकल कंप्लायंस। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको 6 महीने या 8 महीने बोला गया है तो आपको पूरा करना चाहिए। 2 महीने बाद अपने आपका अवलोकन इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखना चाहिए कि मैं ठीक हुआ हूं कि नहीं। आपको ट्रीटमेंट का जो दायरा दिया गया है, जो कोर्स दिया गया है, जो प्रोटोकॉल्स दिए गए उनको पूरा करिए। अगर आप करते हैं तो मैं जिम्मेदार हूं कि मैं आपको ठीक करूं, और मैंने ऐसे पेशेंट्स को ठीक होते देखा। और आपको जिंदगी भर दवाई की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा रिकवर करते हैं और चेंजेस दिखने लगते हैं और आपने अपने हेल्थ वाइज अपने को इंप्रूव कर लिया है, तो अब आपका ये जो ट्रीटमेंट है वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन और आपकी अच्छी हेल्थ पर आधारित रहता है। आप ट्रीटमेंट बंद भी करेंगे एक निर्धारित समय के बाद तो आप बेहतर होते रहेंगे, प्रोवाइडेड यू डोंट गेट अंडर ट्रीटमेंट, यू डोंट गेट इनटू अ मेजर मेडिकल कोई ऐसा इश्यू ना हो गया जिसके कारण ड्रग्स चली हो आपको, तो आप अवश्य संभावी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक होते रहेंगे। ये जितने भी ट्रीटमेंट है ये सब जड़ से होते हैं और परमानेंट होते हैं। एक बार आप ठीक हुए, आप हेल्दी हैं और आपको पैरामीटर्स आपके मेडिकल साइंटिफिक हमने ठीक करके छोड़े हैं तो आप बाद में भी बेहतर बने रहेंगे, चाहे आपकी एज प्री मेनोपॉज हो, मेनोपॉज के बाद की एज हो, जो भी आपकी एज है उसमें आप बेहतर होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यंग पीपल को ट्रीटमेंट लेना चाहिए ओल्ड पीपल को नहीं। जो भी व्यक्ति अपने पब्लिक सर्विस में है और जो बाहर निकल रहे हैं उन सबको ट्रीटमेंट लाजमी, अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है और हर एज में इसको ठीक किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की जानकारी मेडिकल कम थी लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट पहुंचाने की थी कि क्या आप ठीक हो सकते हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। यस, आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आप ट्रीटमेंट लिए हमसे मिलिए, हमारी टीम से मिलिए, बैंगलोर, दिल्ली, लखनऊ तीनों प्लेसेस में हमें, इसके अलावा आप बीसी से भी हमें रीच कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर भी मैं आपकी मदद करता हूँ, हमारी टीम आपकी मदद करती है। और मेरे इस बात को यहां तक सुन के समझने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।